focuses on cutting-edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. The performance of Indian athletes, Indian team, Indian contingent in the 21st Commonwealth Games, where we won 66 medals. You are aware of all the figures, gold, silver, bronze. I congratulate the athletes and also the sports federation, NSF, who did well. For the Asian Games, our long list jo hai, wo ja chuki hai, which is 1938 athletes, 399 officials, 8 from IOA. When I say IOA, I mean the Shefty Mission, Deputy Shefty Mission, and the finance aise log jo jaate hain. 7 names have gone from Ministry of Sports, 18 from SAI. A total list of 2370 has gone, which will be trimmed down by 30th June. जो हमारी फाइनल लिस्ट हो जाएगी दैट विल बी ट्रिम डाउन. लॉन्ग लिस्ट का पर्पज ये होता है कि कल को कोई इंजरी हो जाए या कुछ हो जाए. लॉन्ग लिस्ट डज नॉट मीन दैट एवरीबॉडी गोज. लाइक आई कैन टेल यू द लिस्ट फ्रॉम हॉकी 181 जबकि टोटल 36 जाने हैं. सो दैट डज नॉट मीन एवरीवन गोज. बट कल को कोई इंजरी है कुछ है तो यू ऑलवेज हैव अ बैकअप इफ यू आर नॉट इन द लॉन्ग लिस्ट. आई थिंक आप बाइक चल रहे हैं आपका. हाँ ठीक है थैंक यू. तो लॉन्ग लिस्ट का यही पर्पज है कि आप उसमें से पिकअप कर सकते हैं. एक्रेडिटेशन इश्यूज नहीं होती. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स व्हाई दिस लॉन्ग लिस्ट. फिर हमने क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया भी फिक्स किया है. आई थिंक आई डोंट नो हाउ दिस न्यूज वाज विद मीडिया बिफोर हैंड बट यस फॉर टीम इवेंट्स इट्स इफ यू आर इन द टॉप 8 लास्ट एशियन गेम्स का जो हम परफॉर्मेंस देते हैं इंडिविजुअल एथलीट्स में 6 बट this is not a hard and fast rule. There could be some athletes or somebody who's coming up. You can see the performance. The last Asian Games mein ye tha aur abhi performance improve hai. So it's not a hard one, but yes, it's not an easy thing also to get past. So there will be a committee which will be screening and scrutinizing all these things. So the dispute committee of IOA. So these committees are active aur sari activate ho chuki hain. Naam jitne bhi hai committees ke, you can check them on our website. हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं 2020 जो एसोसिएट हुए हैं एडलवाइज है अमूल है एटलांटिक है निपोन है लीनिंग है रेमंड इज आर लीनिंग इज आर मीटिंग पार्टनर रेमंड इज आर रेफरल पार्टनर और आईओएस इज आर ऑफिशियल पार्टनर फॉर फाइंडिंग आउट द स्पॉन्सर्स फॉर अस. इन द ईवी टुडे वी ऑल्सो अप्रूव्ड ऑन द एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट वी हैव फॉरवर्डेड फॉर IOC Congress, Youth Olympics 2026, Asian Games 2030 and Olympics Games 2032. Expression of interest. Expression of interest does not mean that you are rich. इसके लिए government की, इसके government की guarantees होती है. It's an expression of interest. Yes, we are interested and we are serious. वो हमने एक उधर दे दिया वो उनके वहाँ पे. Then statutes में कुछ amendments हुई हैं हमारे. उसके बारे में मैंने काफी कुछ पढ़ा है. Then for Commonwealth Games, the subcommittee has been created within IOA, which will be called the Commonwealth Games Association of India. It's a subcommittee within IOA, so that has also been created. We've also taken a decision on no needle policy, whether in training or during events, so both the cases, no needle policy. National Games, we have a discussion on 36. नेशनल गेम्स जो गोवा में हो रही हैं 37 छत्तीसगढ़ में हो रही हैं 38 उत्तराखंड एंड 39 मेघालय. उनके सीनियर टीम्स आई हुई थी विद स्पोर्ट्स मिनिस्टर एंड स्पोर्ट्स सेक्रेटरी. सो प्रेजेंटेशन हुई हमने सारा आज देखा वो. सो दीज आर द फ्यू थिंग्स विच आई हैव ब्रीफ्ड यू. अब आपका कोई भी क्वेश्चन हो आंसर हो सारी क्वेश्चन हो वी आर प्रिपेयर टू आंसर. आपका सिर्फ आप नाम आइडेंटिफाई कर दीजिएगा और प्रेस का बोल दीजिएगा. आई थिंक क्या मतलब जो तो एंड माई कब तक हो उम्मीद. बिल्कुल प्रेजेंटेशन था आज और चारों स्टेटों का प्रेजेंटेशन था. तीन स्टेट के बाद तीन स्टेट मैं चार की बता दूं. फर्स्ट गोवा का है. गोवा में थोड़ा सा सिस्टम आ रहा है कि वो फरवरी में चाहते हैं हम उसको नवंबर दिसंबर में चाहते हैं. तो वी कॉन्स्टिट्यूट ए कमेटी अंडर द प्रेजिडेंट ऑफ आईओए. वो 15 दिन या 20 दिन में उसको फैसला करेंगे कि क्या डेट्स हैं उसकी कब वो करा सकते हैं. तो गोवा ने कंफर्म कर दिया है वो फरवरी में करने को तैयार हैं. हमारा इश्यू ये है कि हम उसको दिसंबर में कराना चाहते हैं. तो नाउ इज ओके. उसके बाद छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ का प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा रहा. उनके भी तैयारी सी चल रही है.
उसके बाद उत्तराखंड का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहा, उनकी भी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, मेघालय 2022 में है। मेरे ख्याल गोवा की तैयारी तो पूरी हो गई, चार उसमें इवेंट्स के कुछ इश्यूज हैं, वो हमें कहीं और ट्रांसफर करने पड़ेंगे, जैसे शूटिंग है, साइकिलिंग है, और शूटिंग और साइकिलिंग का ही मेगा इशू आ रहा है जो हम शायद दिल्ली में शिफ्ट करेंगे शूटिंग को, और साइकिलिंग केरला में शूटिंग। भद्रा जी, मैं पंजाबी ट्रिब्यून से मनदीप सिंह देओल। ये हॉकी का पिछले बार पिछले जो टूर्नामेंट में इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया, वो नेक्स्ट ईयर बनाइए, क्या आपको उम्मीद लगती है? और उनकी मिनिस्ट्री से भी रिकॉग्निशन नहीं है, किसी की है किसी की नहीं है। आप टीम को भेजना तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम टीम भेजें, बट उनका एफिलिएशन हमसे नहीं है, तो हमने उसमें एक स्कीम बनाई है कि उनको रिकॉग्नाइज किया जाए या एसोसिएट मेंबर बनाया जाए, जिससे उनका स्मूथली फंक्शनिंग हो सके और गवर्नमेंट से भी उनको फंडिंग मिल सके। कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। 2012 तक ये इशू था हमारे यहाँ, 2012 में हमने डिसिप्लिनेट किया उन बॉडीज को, क्योंकि उनके कोर्ट केसेस ज़्यादा हो रहे थे और आई एफ का पैसा उसमें काफ़ी खर्च हो रहा था लॉ में। बट अब की बार जो हाउस ने फिर ये डिसीजन लिया है कि इनको फिर एसोसिएट मेंबर बनाया जाए और उनकी फंक्शनिंग स्मूथ हो जाए और जिससे वो एशियन गेम में जा सके।